4 काय अरे आन्सर नका सांगू, आन्सर प्रिंट करून दिले तिथं, सोडवा दोन्ही पण एक्झाम्पल, असे सांगताय तसं स्वतः सोडवलंय. चलो सौरभ क्लिअर ॲप स्क्रीन प्रॉब्लेम. सौरभ सौरभ 1 2 3. Yes, sir. सोडवायची गरज आहे का बोर्ड वर? हो गया. एक्सलंट. चलो अब 32 एंड 33 के बाद में आई थिंक स्पीड का डिस्कशन खत्म हो गया. आगे कौन है? वेलोसिटी. सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग. न्यू पॉइंट आज का वेलोसिटी. वेलोसिटी 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 क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब, वेरी गुड, राइट डाउन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. वेलोसिटी डिनोटेड बाय फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जैसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. तो डायमेंशन बनेंगे L1 t-1. वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर है? ये वेक्टर क्वांटिटी है. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. एंड इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. कहाँ पे होगी डायरेक्शन? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ठीक है. तो जैसे स्पीड के भी 4 टाइप हमने देखे थे, कौन से? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज. तो वही वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा. अगेन ये लिव नका फक्त. वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स रहेंगे. पहले आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वेलोसिटी बनेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो बनेगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. परत या दोघांना आपल्याला आता डिस्कस जास्त नाही करायचं. नंतर कोण येतो? एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एंड इंस्टेंटेनियस बोला तो डिस्प्लेसमेंट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम अपॉन टाइम, वो बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर? तो फिर से देखो, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा. हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑल टूगेदर सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ क्वेश्चन जो हमने स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में सॉल्व किए थे. बस एक टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम होता है मतलब डिफरेंट होते हैं, जहां पे बॉडी जाते जाते रुकती है एंड यू टर्न लेके वापस आती है. वो छोड़ के बाकी सारे प्रॉब्लम की टाइप सिमिलर है. ठीक है. जैसे कि करो सॉल्व आगे. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 34. आणि सॉल्व कराचा नोटबुक मध्ये जर मला तुमचे दिसले नाही एक्झाम्पल तर बघा क्या दिया आहे 34 में. जर कोणाला येत नसेल तर हातवर करा, मी बोर्डवर सोडवतो. मग 34 येत नाही तुला. क्या दिया आहे 34 में? पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय क्या एक्सप्रेशन? एक्स इक्वल्स टू 4t-5t-5t² ये एक्सप्रेशन है. और आपको कैलकुलेट करने को बोला है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड. एवरेज बोला है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? फिर से वही प्रोसेस. एवरेज कैलकुलेट करने के लिए x2-x1/t2-t1 ही करना होगा. ये बन गई एवरेज वेलोसिटी. तो जब हम t1 को 1 पुट करेंगे हमें x1 मिलेगा. कितना मिलेगा बोलो? ये 0 होईल का 1 होईल? हे 1 हे 1 5 5 -5 -5 -10 40. जब हम t2 को 2 पुट करेंगे तो x2 कितना होगा? देखो 5 × 2 ये 2 का स्क्वायर, 4 × 5 = 20, 20 - 20 - 10 40 - 30 10. क्लियर है?
तो अभी क्या करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 30, टी टू माइनस टी वन मतलब 1, मतलब कितना आ रहा है माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अनिरुद्ध क्लियर, चलो खेल, चलो 34 हो गया सबका, यस नो, मनमत, शुभमकर, प्रतीक, ठीक है। नेक्स्ट 35, 35 में क्या दिया है, अ जॉगर स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम द पोजिशन x इक्वल्स टू 3 मीटर एंड रीच टू अ पोजिशन x इक्वल टू 15 मीटर, म्हणजे 3 वरून स्टार्ट झाला, 15 मीटर वर आला, खाली डायग्राम आहे, देन टर्न्स बॅक अँड मूव टू द पोजिशन x इक्वल्स टू 1 मीटर, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली 3 पे था, वापस 1 पे आ गया, मतलब माइनस 2। डायग्राम ही देखो, डायग्राम पे ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 हो गया और क्या बोला है, टोटल टाइम कितना है, सेकंड है, तो वेलोसिटी पूछेंगे तो कितनी आएगी, माइनस 2 बाई 10 मतलब माइनस ऑफ 0.2, एंड स्पीड पूछेंगे तो देखो, पहले 3 वरून 15 वर गेला मतलब 12, 15 वरून 1 वर आला म्हणजे 14, 14 प्लस 12, व्हेरी गुड, 28 बाय 10, 26 का 14 प्लस 12 26 अपॉन 10 2.6, तो स्पीड हो गई 2.6। काय विचारलंय आपल्याला, वेलॉसिटी आणि स्पीडच विचारली, चलो हो गया 35 नंबर, क्लिअर आहे का, एकदा चेक करून घ्या, सोडवायचं आहे बोर्डवर, नाही सोडवणार मी, ठीक आहे, सोपा एकदम, तो ठीक आहे ना, एकदा चेक करा, फक्त येत नसेल तर मला व्हॉट्सअपला मेसेज दाखवा, मी इंडिव्हिज्युअली एक्सप्लेन करतो नंतर, याची गरज नाही बोर्डवर सोडवण्याची, ठीक आहे ना। नेक्स्ट 36, थर्टी सिक्स, थर्टी सेवन, थर्टी एट, थर्टी नाईन, 40 आणि 41, 41 तक सब कंबाईन सॉल्व करू आप, जिनको डाउट्स आहे मैं इंडिव्हिज्युअली एक्सप्लेन करता हूँ, आणि जर सगळ्यांना डाउट असेल तर मी बोर्डवर सोडू, ठीक आहे, चलो सुरू हो जाओ, चलो ऑनलाईन वाले भी, का असे बोलाय मैंने 36 to 41, मतलब 7 एक्झाम्पल आहे, चलो स्टार्ट।
Thank you.
क्या होगा, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, यही कंपैरिजन के पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में और तीन एग्जांपल है व्हिच इज रिलेटेड टू चेंज इन स्पीड। अब चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही कंडीशन फाइनल माइनस इनिशियल जो कि कांसेप्चुअली त्याच्यामध्ये काहीच नाही है। ठीक है, तो रिमेनिंग एग्जांपल एक बार सॉल्व करके कंप्लीट करो, देन हम कांसेप्ट डेफिनेशन टू का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करा जे जाऊ से तर
एप्लीकेशन टू है. आता हे जर व्यवस्थित प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस केली असेल तर तुम्ही त्याला ते देता. सर एप्लीकेशन मध्ये सगळे क्वेश्चन खूप जास्त सिंपल असतात एज कम्पेअर टू सॉल्व इट. सर आपले ते आपलं ते सोडू. चलो ऑनलाइन वाले कंसेप्ट एप्लीकेशन टू ऑनवर्ड एग्जांपल सॉल्व करने आज के लिए. बाकी रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू एट सेम टाइम टुमारो. थैंक यू.